26 साल की उम्र में भूतपूर्व होने की अभूतपूर्व योजना अग्निपथ। सरकार को मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा हूं। लेकिन हमारा देश जल रहा है अग्निपथ की आग में और हम जल रहे हैं यहाँ धूप से। वर्षा घूम रही है बादल के साथ में, बारिश हो नहीं रही है। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ साइड का। यहाँ पर काम चल रहा है, मैं बैठा हूँ और टीम अभी काम कर रही है। मैं थोड़ी देर में चल के आपको दिखाता हूँ। उधर हवा रुक रुक के चल रही है, कभी एकदम बंद हो जाती है, कभी तेज़ चलती है, तो पसीना आता है और पसीना जाता है, आता है और जाता है, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो बैठा हूँ, मैं अपडेट देता हूँ आपको। सुबह उठने से लेकर के रात में 1 बजे 2 बजे सोने तक दिन में मैं 500 बार अपने मोबाइल में चेक करता हूँ। 500 बार चेक करता हूँ, क्या फोरकास्ट, बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। रोज़ दिखाता है आज होगी, आज होगी, कल होगी, आज होगी, कल होगी, रात में होगी, सुबह में होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है। बहुत परेशान हो गया हूँ, एकदम पक गया हूँ। तो भगवान अगर कहीं हो तो सुन लो, बारिश करवा दो। अभी 6 बजने वाला है, 6:15 बज गया है, लेकिन सूर्य देवता एकदम सामने खड़े हैं, इनको हिलना नहीं है। और ये हवा है, ये भी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। मतलब क्या करना चाहते हो भगवान, बता दो एक बार कम से कम। एकदम जीते जी इंसान को आप भून देंगे। इंसान आम से ज़्यादा पक गया है। अब आम तो आ गए हैं, दशहरी आप लोगों ने खाए कि नहीं खाए? अभी डाल का दशहरी आ गया है मार्केट में। अगर आपने नहीं अभी तक लिया है तो लीजिए, खाइए और आनंद लीजिए, नहीं तो ये 2 बार बारिश किए तो वो भी गायब हो जाएगा। मेरे पास कल मैसेज आया था एक A10 के लिए, A10 दिखा दीजिए कहाँ पर है। और एक मनीष जी का मैसेज आया था मेरे पास B1 के लिए, B1 1800 में है। और हमारे अतुल शर्मा जी ने फोन मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो ये सब कमेंट आए थे कि उनका भी प्लॉट जो है वो भी दिखा दीजिए, वहाँ पर क्या स्थिति है। तो मनीष जी ने मुझसे पूछा था कि B1 दिखा दीजिए। मनीष जी, मैं आपके प्लॉट पे खड़ा हूँ, ये यहाँ पर आपका B1 प्लॉट है, ये देखिए, ये प्लॉट है B1 और ये सीधे इसमें नाली बनी हुई है, ये पूरा 1800 वाला ब्लॉक है, ये B1 है। और यहाँ पर ये 30 फीट का रोड है आपके प्लॉट के सामने, और इधर पार्क भी है, यहाँ पर पार्क है। और मेरे सामने अगर आप देखेंगे इस तरफ तो ये 3500 वाला ब्लॉक है, यहाँ पर 3500 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट हैं। और ये इधर एग्जिट रोड है, इस तरफ यहाँ पर एग्जिट रोड है। और प्रदीप जी ने पूछा था मुझसे कि उनका 2100 वाला प्लॉट है, A10 उन्होंने बताया था, तो आपका प्लॉट वहाँ पर है उस पेड़ के पास। चल के दिखाता हूँ थोड़े नज़दीक से आपको। ये मैं आ गया हूँ, ये 40 फीट वाला एंट्रेंस रोड है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा रोड है ये, और ये एंट्रेंस है, इधर से ये आ रहा है, ये एंट्रेंस रोड है, यहाँ इधर पार्क है, और यहीं से आप जाएंगे तो पार्क के उस तरफ वहाँ पर अतुल शर्मा जी का प्लॉट पड़ेगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ जो A10 के लिए मुझसे प्रदीप जी ने पूछा था। तो प्रदीप जी, आपका प्लॉट यहाँ पर है, ये वाले पेड़ के पास में जो ये दिख रहा है, यहाँ पर प्लॉट है। अभी वहाँ पर मार्किंग नहीं हुई है, नाली नहीं बना है। इधर जैसे रोड बनने लगेगा, रोड बनने के साथ में ही आपका कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कुछ 2 ब्लॉक मुश्किल से बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा काम है। और ये पार्क जो अभी मैं चल रहा हूँ, ये पार्क है यहाँ पर, यहाँ पार्क डेवलप होगा, इसमें भी बनाना है पार्क। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ ही में फाइनल कर देंगे। शर्मा जी, अतुल जी, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये रोड है और यहाँ पर ये चौराहा है, अभी मैं पार्क में हूँ और इस जगह पर आपका प्लॉट है यहाँ पर। तो अभी वो नहीं हुआ है, उसको उस तरफ हो गया है, रोड के इस तरफ करना है, इस तरफ कर देंगे तो आपका हो जाएगा। और ठीक यही रास्ता चला जाएगा तो A10 पे चला जाएगा, वहाँ पर A10 है, इस जगह पर आगे A10 है, और यहाँ पर मेरे सामने A17 है जो हमारे अतुल शर्मा जी का है,
अतुल शर्मा जी की रजिस्ट्री हो चुकी है। यहाँ पर जो इस तरफ प्लॉट हैं, ये सारे बड़े प्लॉट हैं इधर, तो यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, 30 फीट की और 40 फीट की सड़कें हैं सारी। ये देखिए यहाँ पर सड़क ये बनी हुई है, ये मार्किंग है सड़क की, ये 30 फीट का रोड है। और फिर यहाँ मेरे पीछे इधर देखेंगे तो इधर भी 30 फीट का रोड है, फिर ऐसे 40 फीट का रोड है। तो ये आज का आप लोगों का जो आप लोगों ने बताया वो दिखा दिया मैंने, आप लोगों का हो गया। अब मैं चल के दिखाता हूँ आपको कि आज कहाँ कहाँ पर हमने क्या काम किया है, क्या कार्य हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एकदम मजबूत नाली निर्माण हो गया है और बादल भी आ रहे हैं, देखिए बादल भी आ रहे हैं मेरे ऊपर, आप देख सकते हैं एकदम। तो शायद आज बारिश भी हो जाए, और अगर आज बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश के बगैर जनता एकदम परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। कुछ बच्चे यहाँ आ गए हैं, पतंग उड़ा रहे हैं मेरे सामने, तो अभी तो उनका पतंग का धागा मेरे सर पे आते आते बचा, खैर मैं बच गया। तो ये इधर लास्ट में मैं आ गया हूँ, यहाँ पर देखिए ये इधर अधा बिछ गया है, कल इसमें अधा बिछाने के लिए काम चल रहा था, अधा बिछ गया है। उधर मसाला डाल दिए हैं, वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, और उस वाली लेन में आज नाली बन रही थी, बन गई है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और इधर वाला भी ये एकदम तैयार है, ये देखिए ये भी इसमें मसाला डाल के तैयार कर दिया गया है। ये हमारे रणबांकुरे आ रहे हैं, क्या हो काम खत्म? 6:30 बजे तक करोगे ना? तो अभी 6 बजा है, 6:30 बज गया, 6:30 बज गया। हम तो घड़ी देखते नहीं, हमको तो पता ही नहीं चलता है कब कौन सा दिन है और क्या समय है, हम तो बस काम पे लगे रहते हैं कि काम करना है तो काम करो, टाइम देख के क्या करना है। तो ये आज का अपडेट है, यहाँ यहाँ काम हो रहा है जो। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।